सिरसा में आदित्य चौटाला की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, जिसमें नगर परिषद चेयरपर्सन चुनाव में हलोपा समर्थित रीना सेठी की जीत पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये जीत रीना सेठी की नहीं बल्कि धनबल की जीत हुई है। गोपाल कांडा ने बीजेपी के साथ धोखा किया। सरकार से सहमति होने के बावजूद कांडा ने अपना प्रत्याशी उतारा, मजबूरन बीजेपी को मौके पर अपना प्रत्याशी खड़ा करना पड़ा। आदित्य चौटाला ने कहा है कि धनबल की बदौलत गोपाल कांडा ने अपने प्रत्याशी को जीत दिलवा दी। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार का साथ देने का दावा विधायक गोपाल कांडा करते हैं और दूसरी तरफ बीजेपी का विरोध कर खुद की पार्टी के उम्मीदवार को जीत दिलवा रहे हैं। पैसे के बल पर चुनाव जीतने वाले जनता का भला कैसे करेंगे, ये समझ से बाहर है। उन्होंने कहा कि बीजेपी खरीद फरोख्त की नीति पर विश्वास नहीं करती, स्वच्छ राजनीति करती है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा के अहलाबाद दौरे पर भी उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अहलाबाद में कांग्रेस का वजूद खत्म हो चुका है, जो कि पार्टी नगर परिषद के अपने पार्षदों को नहीं संभाल सकती। गोपाल कांडा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 21 तारीख को ये कहा भी कि सुमन शर्मा प्रत्याशी होती हैं तो वो मदद करेंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने नो कॉन्फिडेंस में भी सरकार का साथ दिया, मैं सरकार के साथ खड़ा हूँ। पिछले चुनाव के बाद जो भ्रांति दुष्प्रचार एक शहर के अंदर और मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया न्यूज़पेपर के माध्यम से ये आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना वायदा नहीं निभाया, हम आज भी और आखिर के टाइम तक भी उस नाम पे हम सहमत थे, और हमने कहा कि आप इनका नाम प्रपोज करो, इन्हें बनाओ। अगर हमारे पास पूरा आंकड़ा होता भारतीय जनता पार्टी के पास तो हमें ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन कांडा जी और सरकार के साथ थे, इस दृष्टिगत ये ऊपर के लेवल पे निर्णय हुआ कि आप लोग इकट्ठे होके बनाओ, और हमने सहमति बनी, और उस सहमति पे हमने उनको कहा कि आप ही नाम प्रपोज करो। उस हॉल के अंदर हमारी मेंबर पार्लियामेंट बहन सुनीता दुग्गल जी भी, क्योंकि उनका भी वोट है, वो भी वहीं थे कि एक तरफ तो वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने साथ नहीं दिया, और एक तरफ वो कांग्रेस के मेंबर्स का साथ ले रहे हैं। ये पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं कि धन बल का खेल जो खेला गया, एक पूरी की पूरी राष्ट्रीय पार्टी साफ होगी पैसे के पीछे, तो आप ये मान के चलो कि क्या ऐसे लोग सरसा शहर का भला कर सकते हैं। 3.5 साल अगर कमेटी नहीं बन पाई तो इसमें भाजपा का दोष नहीं था, ऐसे लोग बैठे थे जिन जो प्लान कर रहे थे किस तरीके से हम कमेटी बनाएं, जब तक उनकी प्लानिंग पूरी 100% नहीं हुई तब तक वो उसको होल्ड अप पे रख रहे थे कि सरकार के साथ होने के बाद आपने सरकार को बिट्रे किया है, आपने सरकार के शीर्ष नेतृत्व को बिट्रे किया है। और हम तो आज भी अपनी जबान पे खड़े थे, पहले भी अपनी जबान पे, और हमने ये सिद्ध करके दिखाया है कि हम धोखा देने वाले लोग नहीं हैं, पार्टी झुकने के लिए नहीं है, हम किसी के आगे नतमस्तक नहीं होंगे। हमारा कार्यकर्ता पार्टी के आगे नतमस्तक हो सकता है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के आगे हम नतमस्तक नहीं हो सकते, और मजबूत स्थिति में ही। और हमने कहीं पर भी खरीद फरोख्त की लालच की कोई ऐसी हमारी तरफ से किसी के साथ कोई बातचीत इस तरीके की नहीं थी। हमने अपना एक मानस बना रखा था कि कांडा साहब सुमन शर्मा जी का नाम प्रपोज करें, हमारे सारे के सारे पार्षद एक मत से हमारी बहन सुमन शर्मा के साथ रहेंगे, लेकिन बड़े जिम्मेवारी से ये बात कह रहा हूँ कि मैं खुद बड़ा हैरान हूँ इस बात से कि जिस तरीके से उन्होंने डुअल गेम खेला, दो का जो चेहरा उन्होंने रखा है ये राजनीति में, और सरसा वासियों को ये सोचना चाहिए कि उन्हें आगे क्या फैसला लेना है। आपने कहा कि कुछ कांग्रेस पार्षदों ने कांटा का साथ दिया, हाँ जी,
कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा इस मामले को इग्नोर कर रही है कि वो कांग्रेस की पार्षद नहीं, वो पहले ही अलग थलग हो चुके हैं। जिन्होंने बहिष्कार किया वो बलजीत कौर, वो कांग्रेस की पार्षद है। देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जब पिछली तारीख थी तो नवीन केडिया जी आपके पास क्लिप है, केडिया जी के साथ कितने पार्षद खड़े होकर नारे लगा रहे थे। आप इन चीजों को तो देखो। और कुमारी शैलजा जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, बहुत बड़ी जिम्मेवारी उनके ऊपर है। अगर वो ऐसी बात कह रही हैं तो मैं ये समझता हूँ कि वो विषय को टालने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि उनके संज्ञान में सारी चीज़ आ चुकी है। और जिस तरीके से वो यहाँ उपचुनाव के अंदर अब दौरे कर रही है, मैं ये पूछना चाहूँगा कि भाई जब आपके पार्षद ही भाग गए तो फिर आप वहाँ यहाँ इलाहाबाद में आप क्या निकलोगे? आपके पास होता ही कुछ नहीं है। आप एक्शन लो, अगर आपके पार्षद थे आप एक्शन लो। और ये तो अखबार में छपी है कि कांग्रेस के कितने पार्षद हैं, न्यूज़पेपर की आप उठाओ, जब आप एनालिसिस करते हो किस पार्टी के कितने कितने हैं, उसमें आपने पेपर्स में आई हुई है कितने पार्षद हैं कांग्रेस के, ये तो अखबार में ही छपी हुई है। इसका मतलब उनको अभी तक यही नहीं पता लगा भी मेरी पार्टी के कितने लोग हैं, तो फिर वहाँ यहाँ वो दौरा किस बात की कर रही हैं।